नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के दौरान लोगों ने शहीद दिवस भी मनाया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत अन्य राज्यों से भारी संख्या में समर्थक गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। तो वही केंद्र राज्य मंत्री, सांसद और विधायक समेत कई नेताओं ने इस धरने को अपना समर्थन दिया। साथ ही गुरुग्राम का खेड़की दौला टोल प्लाजा भी फ्री कराया गया। बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, अलवर से लोकसभा सांसद समेत कई विधायकों ने धरने को समर्थन दिया। ये भी कहा गया कि अहीर समाज की ये मांग उनका हक है और ये हक उन्हें मिलना चाहिए। इधर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यह आश्वासन भी दिया कि वो राज्यसभा में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर एक प्राइवेट बिल राज्यसभा की टेबल पर प्रस्तुत करेंगे। टोटल इस मांग का पूरी तरीके से हम समर्थन करते हैं। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का नेतृत्व अगर कोई कर रहा है तो समिति जो इस आंदोलन चला रही है वो लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग एक समर्थक की भूमिका में हैं और आज भाइयों ने जिनका नाम आग्रह किया कि हरियाणा विधानसभा में सभी पार्टियां चंदा दिया या पवित्र साथ है, समर्थन चुका है, उसमें आहुति दी है। मैं परम पिता परमात्मा का अनुरोध करता हूँ, आपके घर में, आपके समाज में, आपके गांव में हरियाणा सरकार भी आपने पैसा दिया सरकार को भेजे। जिस प्रकार से यारों का यादव समाज का शौर्य रहा है आजादी से पहले और आजादी के बाद, जिस प्रकार की शहादत यादव समाज ने नौजवानों ने देश के लिए दी है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और उन माताओं को सम्मान देने के लिए जैसे ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, तो अहीर रेजिमेंट की जो मांग है आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार से, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, समाज ने, 36 बरादरियों ने इसका समर्थन किया है और इस बात की मांग की अहीर रेजिमेंट अहीरों को मिलनी चाहिए।